हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर मैं एक ऑन स्टिच ड्रेस के ऊपर पेंट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरीके की कार्डबोर्ड ड्रेस के नीचे रख सकते हैं या फिर आप आर्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले टाइप का कपड़ा यूज़ करते हैं ना, तो ये जो फ्रेम है इसका यूज़ ज़रूर करें, नहीं तो बैक साइड पर ज़्यादा कलर रह जाएगी, ड्रेस के ऊपर कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले कलर के लिए ये है 3D आउटलाइनर, ये फेविक्रिल की है बट आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। ये मैंने रिसेंट लिया है तो ये देख सकते हैं। तो इसको ना आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी ये कलर ख़त्म हो जाएगी बोतल की, तो ये जो नॉर्मल जो एक्रेलिक कलर मार्केट में बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, तो इसको यहाँ से ओपन करके, देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसको यहाँ से ओपन करके फिर से आप इसको इसके अंदर कलर डाल के फिर से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं करती हूँ क्योंकि ट्यूब में ज़्यादा कलर नहीं रहती है और ये बोतल से थोड़ी सी महंगी आती है। तो सबसे पहले हमें मार्क कर लेना है, मैंने यहाँ स्केल से मार्क कर रही हूँ, एकदम लाइट करके मार्क करें। और क्योंकि मैं यहाँ ऑन स्टिच ड्रेस के ऊपर कर रही हूँ इसलिए मैं ऊपर से स्टिच के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मैं मार्क पेंट करने वाली हूँ। अगर आप रेडी ड्रेस के ऊपर करते हैं ना, तो ये स्पेस छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मार्क एकदम लाइट करके ही करें। तो ये मार्किंग हमें नेक जो जितना हमें करना है उतना हमें पहले ही मार्क कर लेना है। तो ये यहाँ मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से लाइन के ऊपर से, आप देख सकते हैं। आप अपने मनपसंद के कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और ये 3D आउटलाइनर मैंने अमेज़ॉन से लिया है बट आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं और लोकल स्टेशनरी शॉप पे भी आपको इजीली मिल जाएगी ये कलर। और अगर आपके पास ये 3D आउटलाइनर नहीं है तो आप 0 नंबर की राउंड ब्रश और जो एक्रिलिक कलर है येलो कलर, या फिर जो कलर आपको पसंद है आप उस कलर से कर सकते हैं। तो सारे लाइन के ऊपर पहले हमें इस तरीके से कर लेना है। सारे जो लाइन है मैं यहाँ येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। डार्क कलर के ऊपर कोई भी लाइट कलर से करें और लाइट कलर के ऊपर हमेशा कोई डार्क कलर से करें। तो अब ये सारे लाइंस हो जाने के बाद मैं यहाँ, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा एक डिज़ाइन है, पत्ती बना रही हूँ। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ के अब फिर से मैं बना रही हूँ। इसको भी आप राउंड ब्रश से कर सकते हैं, 0 नंबर राउंड ब्रश से। हाँ, उसमें आपकी टाइम थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये पत्ती आप दूसरे कलर से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ जिस कलर से एक्चुअली ये लाइन बना चुकी हूँ इस कलर से ही कर रही हूँ, बट अब येलो कलर से डॉट डॉट करके आप दूसरे कलर से भी ये लीव्स को बना सकते हैं। तो अब देखिए नीचे मैंने नहीं कर रही हूँ नीचे की लाइन, तो अब एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन के ऊपर कर रही हूँ। नहीं तो सारे लाइन में बनाती ना तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाती कुछ, वो अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो इस तरीके से हमें सारे लाइंस को कंप्लीट कर लेना है। और इसको आप वॉश भी कर सकते हैं ड्रेस को, हमेशा आप ड्रेस को पेंटिंग करने के बाद आप 24 आवर्स के लिए ऐसे रख दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे ये जो लीव्स है ये सारे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्लावर बनाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ रेड कलर यूज़ कर रही हूँ बट आप यहाँ कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट कलर भी यूज़ करने वाली हूँ बाद में। तो इसको 24 आवर्स के लिए ऐसे रख दीजिए, उसके बाद जहाँ पर हमने कलर किया है ना उसकी बैक साइड पे एक बार प्रेस कर लेना और कुछ नहीं करना है आपको। और उसके बाद अगर आपको लगे कि इसको वॉश करना है तो ही वॉश कर सकते, नहीं तो वॉश करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब 72 आवर्स के बाद इसको कोई माइल्ड डिटर्जेंट या फिर इजी के साथ आप इसको वॉश कर सकते हैं। और हमेशा ड्रेस की बैक साइड पर ही प्रेस करें, पेंटिंग के ऊपर कभी भी आपको स्क्रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है कभी भी। और इसको हमेशा शैडो में सुखाइए और कड़े धूप में मत सुखाइए। तो फिर आप और कभी भी आपको प्रेस करना है तो इसको हमेशा बैक साइड पे ही प्रेस करें, कलर के ऊपर कभी भी ना करें, तो आपकी कलर बहुत ज़्यादा दिन लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो ये देख सकते हैं फ्लावर बनाने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
अगर आपको लगता है कि फ़्लावर बनाने से बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत सिंपल चाहते हैं क्योंकि सबके चॉइस अलग अलग होती है, तो आप ये फ़्लावर स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एकदम लाइट कलर से भी बना सकते हैं, आई मीन सिर्फ वाइट कलर से भी आप बना सकते हैं फ़्लावर, वो भी काफ़ी खूबसूरत रहेगी। मैं एक्चुअली चाहती थी पिंक कलर से ये फ़्लावर बनाऊँ, बट पिंक कलर मेरे पास 3D आउटलाइनर में नहीं है, इसलिए तो ये देखिए मैंने सारे कंप्लीट कर लिया है, दोनों साइड पे ये फ़्लावर हो गई है। अब मैं वाइट कलर से बनाऊंगी, तो इसके पहले ये सारे फ्लावर ड्राई होने के बाद इसके अंदर छोटी सी वाइट डॉट बना लूँगी इस तरीके से। तो अब हम वाइट कलर से फ्लावर बनाएंगे सेम तरीके से। ये सारे फ्लावर आप राउंड ब्रश से भी बना सकते हैं, और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी, ड्रेस के ऊपर, बेडशीट के ऊपर, साड़ी के ऊपर, दुपट्टा के ऊपर, कुशन, पिलो कवर, सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वीडियो के एंड पे ज़रूर दिखाऊंगी कि ये ड्रेस पहन के मैं कैसी लग रही हूँ, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप इस डिज़ाइन को कोई भी टॉप के ऊपर कर सकते हैं, आप ड्रेसेस के ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग गाउन के ऊपर भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लेन कुर्ती के ऊपर कर सकते हैं, थोड़ी सी बॉर्डर पर कुछ कर देना, या फिर स्लीव के ऊपर, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये फ्लावर के अंदर मैं रेड कलर कर रही हूँ, तो ये कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए अब मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।